सो हेलो भाई लोग, आगे एक और वीडियो के साथ। और आज जो मैं स्टेप की फोटो एडिटिंग, अगर आप लोग जो अपने फोटो से स्टेप से एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो जरूर आप लोग लास्ट देखते हैं। आप लोग यहाँ पर स्टेप की एडिटिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर वीडियो को सेट कर लेते हैं और उससे पहले आपको नॉर्मल फोटो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वाला नॉर्मल फोटो है, एकदम ब्लैक फोटो है, लेकिन एडिटिंग के वजह आपका फोटो इस टाइप से लग गया, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो को सेट कर लेते हैं। इन सबसे पहले जो है हम इस वाले फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो लाइट रूम पर हम शेयर कर लेते हैं। तो लाइट रूम एप्लीकेशन आने के बाद आप लोग यहाँ पर फोटो को देख सकते हो, ठीक है। फोटो में बिल्कुल ही लाइट नहीं है, ठीक है, एकदम डार्क फोटो है। तो हम सबसे पहले लाइट के अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो हम एक्सपोजर को बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देते हैं। एंड यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट को कम, हाइलाइट्स को थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, शेड को भी ज़्यादा कर लेंगे एंड व्हाइट्स को हल्का सा कम कर लेते हैं एंड इसके ब्लैक को भी कम कर लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से इसको बैक कलर्स के अंदर जाना है, मिक्स पर सेलेक्ट करना है एंड शेड्स को हल्का सा बढ़ा देना, ठीक है। लिप्स को भी यहाँ पर जो निम्स को हल्का सा बढ़ा देना एंड दूसरे कलर पर जाना एंड इस टाइप से आपको हल्का सा बढ़ा देना होगा, ठीक है। और शेड्स को हल्का सा कम इतना कर लेना एंड अभी जो इसको जो है हल्का सा बढ़ा के इस टाइप से कर लेना, ठीक है। वो जो अच्छा लगे उसी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो है अभी इस टाइप से रख लेता हूँ फिलहाल एंड ग्रीन को जो है यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। शेप से इसको बढ़ा लेता हूँ एंड इसको हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, न्यूमेंट्स को भी बढ़ा लेता हूँ एंड इसको भी न्यूमेंट्स को बढ़ाएंगे और शेप से इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड इसको हल्का सा कम कर लेंगे और इसको भी हल्का सा कम इसको डन कर लेते हैं यहाँ पर इसको बैक। एंड अभी हम इसका जो है शेडो को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस टाइप से एंड इस टाइप से कर लेते हैं, इसको बैक कर लेते हैं एंड यहाँ से हमारा फोटो हो गया। तो इस वाले फोटो को अभी शेयर करना है आपको स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। हम स्नैपचैट पर शेयर कर लेते हैं। स्नैपचैट पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर टूल मेन्यू पर क्लिक कर लेना एंड ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना, कॉन्ट्रास्ट को कम, शेड्स को हल्का सा ज़्यादा एंड एमबीएस को बढ़ा देना एंड हाइलाइट्स को हल्का सा एंड शेड को भी एंड इसको डन कर लेना एंड सेलेक्टेड टूल का यूज़ कर लेना। जहाँ पर ब्लैक है बस हल्का सा यहाँ पर जो है ब्राइटनेस को दे देना, ठीक है, ज़्यादा मत देना, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ हल्का सा एंड इसके यहाँ पर डन कर लेता हूँ एंड डिटेल्स पर देखे डिटेल्स को हल्का सा बढ़ा देंगे और इसको डन कर लेंगे एंड यहाँ पर जगह आपको विगनेट पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पर जो है आप लोग इस टाइप से कर लेना एंड इसको डन एंड इसको शेयर करना ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो ऑटो ड्रेस मिलने के बाद आप लोग यहाँ पर जो ब्रश के अंदर जाना है सबसे पहले एंड यहाँ पर आपको हल्का सा फेस स्मूथ करना होगा। तो हम जो यहाँ पर इस वाले ब्रश को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस टाइम आप लोग सेटिंग रख लेना एंड फोटो कर लेना जूम। यहाँ पर जहाँ पर बस फेस स्मूथ करना है आप लोग यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर फेस स्मूथ कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मैं कर लेता हूँ जल्दी से। तो अभी आप लोग देख सकते हो फेस की स्मूथ करना कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपको कुछ पिंजेस के ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम इस वाले पिंजेस को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बटन वाले फ्लाई वाले पिंजेस को ऐड करना होगा। इस वाले पिंजेस को डन कर लेता हूँ एंड इसके यहाँ पर जो स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर जो हल्का सा आप लोग यहाँ पर सेट कर लेना फोटो की कोटिंग, ठीक है। मैं इस तरह से कर लेता हूँ, डन कर लेता हूँ एंड अभी आपको और एक पिंजेस को ऐड करना है। इस वाले पिंजेस को इसको डन कर लेना है एंड आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीन कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कुछ स्टेप से रख लेता हूँ इसको फिलहाल एंड इसको अभी मैं यहाँ पर हाथ पे रख लेता हूँ एक पहले स्टेप से एंड इसके यहाँ पर डन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो आप लोग इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसके एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ अभी एंड बनने के बाद जो है स्टेप से कर लेना एक यहाँ पर रख लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इसको सिलेक्ट करके एंड ब्रश के अंदर जाना एंड आप लोग इसको जो है रिमूव कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ से इसको रिमूव कर लेना एंड यहाँ से इसको रिमूव कर लेना एंड रिमूव करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है इसका SSL पर जाके इसका कलर को चेंज कर लेना इस तरह से, ठीक है। जो कलर अच्छा लगे उसी कलर का सिलेक्ट कर लेना। मैं फिर इसको रख लेता हूँ फिलहाल एंड और एक पिंजिस को आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे ये वाला पिंजिस है इसको ऐड कर लेना एंड मैं इसको यहाँ पर इस टाइप से कर लेता हूँ
एंड इसके बाद इसको डन कर लेना है एंड इसकी स्क्रीन कर लेना है अभी, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है अभी। एंड अभी जो है इसका लाइन जो आ रहा है इसको इस तरह से रिमूव कर लेना, ठीक है। एंड इसको अभी आपको बड़ा कर लेना है जो है स्क्रीन को, ठीक है, इस तरह से कर लेना, डन कर लेना। एंड फेस से इसको हटा लेना अभी, एंड देख सकते हो और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड यहाँ पर आपको और एक पीस इसके ऐड करना है, जैसे कि ये वाला पीस, इस वाले को ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप लोग इस वाले भी ऐड कर सकते हो, ये बहुत अच्छा को। यहाँ पर इसको रख लेना एक, इसको डन कर लेना एंड स्क्रीन कर लेना यहाँ पर। तो अभी आप लोग देख सकते हो फोटो हमारा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बस और एक काम करना है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसका चेंज कर लेता हूँ कलर को। यहाँ पर मैं इस कलर को रख लेता हूँ, रेड कलर को रख लूँगा इस टाइप से, इस वाला कलर और भी अच्छा लग रहा है, इस कलर को रख लेता हूँ, इसको डन कर लेता हूँ। एंड अभी इस वाले फोटो को सेव करके आप लोग लाइटरूम पर शेयर कर लेना, ठीक है। अब इस वाले फोटो को सेव करके लाइटरूम पर शेयर कर लेते हैं। तो लाइटरूम आने के बाद आप लोग यहाँ पर जो लाइट्स के अंदर सेलेक्ट कर लेना एंड एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ा देना एंड कॉन्ट्रास्ट को कम, हाईलाइट्स को थोड़ा ज़्यादा कर लेना एंड शेडो को जो है शेडो को हल्का सा कम कर लेना एंड ब्लैक को भी कम कर लेना यहाँ पर एंड व्हाइट्स को हल्का सा बढ़ा देना, ठीक है। एंड एक्सपोजर को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं एंड इसको यहाँ बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो कलर्स के अंदर जाना, मिक्स पर सेलेक्ट कर लेना एंड शेडो को हल्का सा बढ़ा देना एंड नेम इसको भी, एंड दूसरे कलर पर जाना, इसका भी जो नेम इसको बढ़ा देना एंड इसको शेडो को हल्का सा कम, ठीक है। येलो वाले कलर के अंदर जाना एंड इसका जो शेडो को हल्का सा बढ़ा देना, ठीक है। एंड इस वाले कलर के अंदर जाना, इसका देख लेना, ठीक है, फोटो रिकॉर्डिंग इस टाइप से कर लेना एंड इसको भी बढ़ा देना एंड इसको भी बढ़ा देना, ठीक है। एंड इसको हल्का सा कम एंड इसको भी हल्का सा कम कर लेना, इसको डन कर लेना, इसको बैक एंड इफेक्ट के अंदर जाना एंड विग्नेट को हल्का सा कम कर लेना इस टाइप से एंड एम जी इसको भी कम कर लेते हैं, इसको बैक कर लेते हैं एंड इसको जो क्लियर को और थोड़ा बढ़ा लेंगे इस टाइप से एंड फोटो देख सकते काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। इसको मैं इस टाइप से हल्का सा कर लेता हूँ एंड इसे बैक कर लेता हूँ, देख सकते हो अभी फोटो हमारा काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी, वीडियो लाइक करना और मैं ऐसे की वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।